Rin Goa! Hi guys, welcome back to Double Troubling. अब आप लोग सोच रहे होंगे कि युक्ति कहाँ है, तो मैं आपको बता दूँ कि युक्ति इज इन गोवा एंड मैं उसे सरप्राइज देने जा रही हूँ। एक सेकेंड में थक गई हूँ, सांस लेने दो। तो मैंने उसे कहा कि मैं गोवा नहीं आ सकती बिकॉज ऑफ सम रीजन आई कॉन्ट ट्रैवल, बट फाइनली आई एम गोइंग एंड गिविंग हर सरप्राइज। शी इज़ इन गोवा एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद वो मुझे मिस कर रही होगी, बाकी पता नहीं शी इज़ मिसिंग मी और नो, बट आई एम गोइंग टू गिव हर सरप्राइज एंड आई एम राइट नाउ एट द एयरपोर्ट एंड लेट्स गो एंड सी क्या रिएक्शन आता है युक्ति का। अब बताओ, आप मैडम सर देखते हो? कौन था मैडम सर? हाँ पुलिस सर है। मैं कौन हूँ बताओ? दिव्या मैडम है। दिव्या मैडम नहीं, पहले बताओ मैं कौन हूँ। देख मैडम सर देखते हो ना, कौन देश पे आता है? गजब बेइज्जती है। ये तो भारी बेइज्जती हो गई हमारी। मैडम सर सोनी पे आता है। सोनी पे कभी कभी देखते हैं? सब 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 सोनी। हाँ देखते हो? नहीं मतलब ऐसा कभी तरह देखते हैं। शिट, ये तो हमारी भारी बेइज्जती हो गई। तो मैं युक्ति के होटल के बाहर आ गई हूँ और अभी मैं उसके रूम के बाहर हूँ। मैंने रिसेप्शन पे पूछा कि युक्ति कपूर के नाम का रिजर्वेशन होगा, तो उन्होंने मुझे बताया कि ये युक्ति का रूम है और उससे ज़्यादा तो मैं एक्साइटेड हूँ। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? कोविड है, मम्मी पापा नहीं आने देंगे। हाँ ये क्या हाल है? तो कितनी सुंदर लग रही है, है ना? Just like you. Shit, भाविका सिंह को, I can't believe it. This place is really beautiful. Village नाम है। बहुत ही ग्रीनरी है, बहुत ज्यादा ही। Yes, and I love this. है ना? Wow, ये देखो। सुनो युक्ति, इस पे बैठो, मुझे चुलाओगी? ओके। हाँ? और ये किसका है पता नहीं ना, ये हमारा रूम थोड़ी ना। नहीं हमें निकाल देंगे यहाँ से। बोलेंगे कौन है ये पागल, इज्जत में आए हैं और बेइज्जत होकर निकलेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। मस्त है यार गोवा, है ना? गोवा की वाइब्स अलग है। मैं तो शिफ्ट हो जाऊँ यहाँ पे, घर ले लूँ बीच के पास। अच्छा पहले सरप्राइज के बारे में बात करते हैं। मजा आ गया यार। एक सेकंड के लिए ना मैं ऐसी थी कि ये मैं क्या देख रही हूँ, क्योंकि मैंने से कहा था कि मैं नहीं आ पाऊंगी क्योंकि कोई प्रॉब्लम हो गई। पता है मेरे दिल को पता था कहीं ना कहीं दैट यू विल कम, आई डोंट नो व्हाई। ऐसा एक होता है इंट्यूशन का कनेक्शन। यस, एक इंट्यूशन होती है ना, वो थी मुझे हमेशा से। वो सब तो ठीक है, गर्मी बहुत है यहाँ पे। लेकिन अभी तक हम वो चीज़ दिखानी बहुत जरूरी है जो इतना ब्यूटीफुल है, तो तू उल्टा तो चल नहीं पाएगी, तो चल। मतलब बैक कैमरा ऑन करना पड़ेगा। हाँ बैक कैमरा कैसे ऑन होता है पता नहीं। वेट अ मिनट, वेट अ मिनट। मुझे यहाँ रहना है, लाइक आई डोंट वांट टू मूव बैक टू मुंबई, आई वांट टू स्टे हियर फॉरएवर, कैन आई? ये नहीं जाना कहीं। फाइनली हम वेकेशन पे आ गए, कितने टाइम के बाद, मुझे एक साल हो गया मैं कहीं नहीं गई, है ना? एंड यू नो विथ आवर स्केड्यूल, लाइक नॉर्मली वी शूट फॉर 12 आवर्स एवरी डे एंड वी शूट फॉर 25 डेज, तो हमको टाइम नहीं मिलता है, मतलब ऐसे हवा और ये गोवा वाला फील दिस। यस, और मतलब ऐसा लग रहा है जैसे ना रिफ्रेश हो गया है अंदर से, कुछ सब निकल गया अभी। मेरा तो दिल ही कर रहा है कि मैं वापस जाऊँ। यहाँ पे शिफ्ट हो जाए क्या? मैं तो बोल रही हूँ, लेट्स बाय। हमारी प्रोड्यूसर्स को कहते हैं, हम सबको कहते हैं कि हम यहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं। यस, लेट्स शिफ्ट। यहाँ पे शिफ्ट हो तो मज़ा ही आ जाए यार गोवा में ना। बट आई थिंक वी आर प्लानिंग इन हैदराबाद। हैदराबाद ना? गाइज आपको पता है लॉकडाउन हो गया अभी मुंबई में, वी कांट शूट फॉर 15 डेज, दैट्स व्हाई 15 डेज आई थिंक वो एक्सटेंड भी हो रहा है।
तो अ लॉट ऑफ शोज जो है वो चले गए बाहर शूट करने के लिए और हमारा शो भी उनमें से एक ही है. तो व्हाई लाइक आई फर्स्ट आई टॉक अबाउट माय सेल्फ एंड देन शी विल टॉक व्हाई आई डिसाइडेड टू कम हियर एंड नॉट टू गो होम. देयर इज अ रीजन क्योंकि ये वाला टाइम ऐसे मिलता नहीं है इतना सारा है ना. आई वांटेड टू बी विथ माय सेल्फ मतलब यू नो जस्ट काम से दूर और एक चिल करना था. तो मैं इसलिए पहले यहाँ आ गई. अब यहाँ से मैं जयपुर जाऊँगी. हाँ. ये भी आ गई तो ये वहाँ मैं मतलब लाइक दो तीन दिन मी टाइम चाहिए था. यू नो आई लव माय मी टाइम. रिलैक्स कोई स्ट्रेस नहीं कुछ नहीं नो फोन. जब हम घर बोल रहे शूट पे होते हैं तो कैसे रोज अपन वो करते रहते हैं इंस्टाग्राम. ओके यहाँ मैं मॉर्निंग में आती हूँ इंस्टाग्राम एक पोस्ट किया एंड देन गायब. फोन देखती ही नहीं हूँ. बट दिस इज सो ब्यूटीफुल जगह बहुत ब्यूटीफुल. प्लीज यहाँ पर आना अगर कोई. या इट्स द विलेज इन अंजुना है ना. हम मास्क पहनते हैं. हमने अभी मास्क नहीं पहना हुआ है. मास्क है फिर हमें हमारा चेहरा दिखाना. हमारी खूबसूरती कैसे दिखेगी गाइस. भूत हूँ मैं भूत बनो फिर से. वेटर जूस टेबल पे. इसके बाद शॉपिंग पे चले बाहर. ठंडक पै गई कलीजे ठंडक पै गई कलीजे में. कलेजा तो पता नहीं क्या होता है. ठंड पै गई कलेजे में. सो हाँ हम शॉपिंग जा सकते हैं इसके बाद. मैं चप्पल ही नहीं लाई. बताओ मैं गोवा आई हूँ और मैं स्लीपर्स नहीं लाई हूँ. आपको पता है मैं क्या नहीं लाई हूँ. क्या नॉर्मल टी शर्ट नहीं लेकर आई हूँ. अब ऐसा लग रहा है कि नॉर्मल टी शर्ट तभी तो मैंने ये खरीदा है. सब कचरा भरा है मैंने लेकिन पहनने की कोई चीज़ नहीं डाली है. ये सब डाला टॉप एंड ऑल दैट. हाँ और उससे भी बड़ी सुन ये टी शर्ट खरीदी शॉर्ट्स खरीदे तब भी चप्पल नहीं खरीदी. आज एक चप्पल तो बनती है बॉस. मुझे शॉर्ट लेना है. क्या लेना है. शॉर्ट. सो अब हम जा रहे हैं शॉपिंग के लिए. यस और मैं तो लाई क्योंकि माय प्लान वाज टू गो टू खीर गंगा आफ्टर गोवा. तो मैं ठंडे कपड़े ज़्यादा ले आई गर्मियों के कपड़े नहीं लाई. मुझे तो बहुत कुछ. एक सेकेंड एक बार तालियां बनती है युक्ति के लिए. मैडम आप कहीं हमें गिरा तो नहीं देंगे. अब मैं युक्ति को क्या ही बोलूँ. एक बार पेट्रोल देख लो गाइस कितना है. खत्म पेट्रोल ही नहीं है. जो मुझे मेरे लिए चाहिए भैया के पास मेरा साइज ही नहीं है. 150 का है. 50 रुपीस का होना चाहिए भैया. इसमें है क्या. मैं ही घर पे बना दूँ ये तो. क्या बार्गेनिंग करती है later. तो YouTube करना आसान नहीं है. फोन टेढ़ा है बट चलेगा. अब हम थोड़े से शेड्स ट्राई करते हैं. आ नहीं ये वन. थैंक यू. पर लाइट वहां से नहीं आ रही. आई थिंक वहां से आएगी. मैं टीचर लग रही हूं क्या. दिखा टीचर. हां लग रही है. स्टूडेंट लग रही है. स्टूडेंट सुनो. यस उठक बैठक. अभी किस बात की उठक बैठक करूं मैं. शॉपिंग मैंने की शो तूने क्योंकि टीचर का मन कर रहा है इसीलिए. कूल लग रहा. कूल सच्ची. एक बार कैमरे पे जाके ऐसे करो. अच्छा लग रहा है. ऐसे करो कैमरे पे जाके. कैसा लग रहा है भैया ये सच बताना. ये कैसा लग रहा है. अच्छा लग रहा है. आप देख लो इधर से. नहीं आप बोलो ना कैसा लग रहा है. अच्छा लग रहा है ना. मैं बोलूंगा ऐसा बच्चा. मैं जानती हूं आप सबको बोलोगे अच्छा लग रहा है. हां अरे सो नाइस. कितनी क्यूट लग रही है तू. हां मेरे को बहुत सही लगी है. ये तो बेबी वाला है. बेबी को पहना था चुटकुचा यहां पे. कितने की. 200 देने का प्राइस बोला डायरेक्ट. ये कलर ज्यादा पिटी है मैं वो ले रही हूँ.
अच्छा प्रिटी प्रिटी कलर उठा दिया. आई लव्ड इट. आई लव्ड योर सरप्राइज. थैंक यू फॉर कमिंग. आई लव्ड इट. इस बार ने हमारे YouTube के जो हमारे फॉलोअर्स हैं उनको भी हमारे ब्लॉग देखने को मिल गया. हमारा का ब्लॉग मिल गया. हमारा एक ब्लॉग देखने को मिल गया. सो या गाइस, वी लव यू एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब ये हमारा प्रॉब्लम. डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. ट्रबलिंग ट्रबलिंग.